आज हम इवलिन ग्लेनी की कहानी देखने वाले हैं। भगवान ने उससे सुनने की शक्ति ले ली थी, लेकिन उसने उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिए थे। जिस आवाज को हम सुन सकते हैं, उसको इवलिन गहराई से महसूस कर सकती है। आगे हम देखेंगे कि बिना सुने इवलिन कैसे गाई, कैसे वह बहुत सारा अवार्ड जीती। रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ है। एक छोटी लड़की जो 17 साल से कम उम्र की लग रही है, वह घबराई हुई है लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वह आती हुई रेलगाड़ी की वाइब्रेशन को फील कर रही है। यह उसका लंदन में सम्मानित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन है। इस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन को औरों से बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि इवलिन बहरी है। जब इवलिन 8 साल की थी, तब उसे स्कूल में पियानो बजाकर दिखाना था। वह अपने बारी आने की बैठकर इंतजार कर रही थी। कुछ देर में टीचर ने उसका नाम पुकारा, लेकिन इवलिन अपने जगह से हिली नहीं। स्टूडेंट्स, अब इवलिन ग्लेनी आपको पियानो बजाकर दिखाएगी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। इवलिन की माँ को भी पता नहीं है कि इवलिन बहरी होते जा रही है। कुछ समय तक इवलिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने फ्रेंड्स और टीचर से छिपाने की कोशिश की, परंतु जब वह 11 इयर्स की हुई ना, उसके मार्क्स धीरे धीरे कम आने लगे, तब उसके हेडमास्टर ने उसके माता पिता से कहे, देखिए आप लोग इवलिन के माता पिता हैं, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इवलिन को सुनने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं और इलाज करवाएं। तीनों चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए हैं। बहुत दिक्कत हो गया है जी, इवलिन के नर्व डैमेज हो गया है, अब यह ठीक नहीं हो सकता। मेरी बात माने तो आप इसे हेयरिंग एड्स लगवा दें। हाँ, वही जो कान में लगा के जो सुनते हैं ना, वही वाला। और इसे ना डीफ स्कूल में एडमिशन करवा दें। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई। मुझे लगा मेरे आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। इन सब के बावजूद इवलिन हार मानने वालों में से नहीं है। वह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, इसलिए वह अपने इंटरेस्ट को देखते हुए म्यूजिक को अपना लाइफ चुनी, अपना फ्यूचर चुनी। दोस्त, मैं हार नहीं मानूंगी। एक दिन इवलिन ने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखी। मुझे भी बजाना है, बहुत मजा आएगा। क्या देख रही हो, बजाना चाहती हो? नहीं हो पाएगा तुमसे। इवलिन ने टीचर की लिप मूवमेंट से उसकी बात को समझ गई। यहाँ पर एक तबला मास्टर है जिसका नाम रॉन फॉप्स है। इसने इवलिन के अंदर छिपे हुए टैलेंट को ना पहचान लिए। इवलिन चिंता मत करो, मैं सिखाऊंगा तुमको, चलो मेरे साथ। उसने दो बड़े ढोलों को बजाना शुरू किया। वह कहते हैं, कानों से मत सुनो, इसे किसी दूसरी तरह से सेंस करने का प्रयास करो। अचानक मुझे फील हुआ कि मैं कमर के ऊपर से बड़े ढोल को और कमर के नीचे से छोटे ढोल को फील कर रही हूँ। रॉन फॉक्स ने फिर से बजाया। तुरंत ही इवलिन ने अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से साउंड और वाइब्रेशन को फील करने लग गई। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। वह एक ऑर्केस्ट्रा दोस्त के साथ यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड चली गई। तब वह 16 साल की थी। वह सोच चुकी थी कि वह म्यूजिक को ही अपना जीवन बनाएगी। इवलिन ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दी। इवलिन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दी और आज तक का सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर की। इवलिन ने आज तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए बन गई विनर। तालियां हो जाए इसके लिए। वह धीरे धीरे यह सब छोड़ करके सोलो परफॉर्मेंस करने लग गई। 3 साल के कोर्स करने के बाद आज इवलिन सबसे ज्यादा अवार्ड जीती है।
इन सब के बावजूद एल्विन ने कभी भी हीरोइन के जैसा अपने आप को नहीं सोची। वह कहती है, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप जरूर ही वहाँ पहुँचेंगे। और हाँ, वह टॉप पोजीशन तक पहुँची। मैं बिना ज्यादा मेहनत किए एवलिन के फंक्शन को देख पाता हूँ, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने 2 घंटे साथ बैठकर बातें की हैं। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं था जो वह मिस कर गई। वह सब फील कर सकती है। लंबी दाढ़ी वाले आदमी को सुनना समझना थोड़ी परेशानी होती है। वर्ड और सॉन्ग को फील करने के लिए सिर्फ होंठों को ही नहीं देखना होता है, सारे चेहरा को देखना होता है, आँखों को भी देखना होता है। वह बिना रुके बिना डिस्टर्ब हुए बोलती है। वह कहती है, मेरी बोली क्लियर है क्योंकि मैं एक 11 ईयर तक सुन सकती थी। मैं बचपन से ही बहरी नहीं थी। म्यूजिक के बारे में वह कहती है, म्यूजिक मेरी बॉडी में फ्लो होता है, मैं इसे फील कर सकती हूँ। जब वह जैलोफोन बजाती है तब वह छड़ी को अपनी अंगलियों से पकड़कर फील करती है। जब स्टेज उड़ेन यानी लकड़ी का होती है ना, तब वह अपने पैरों से ना वाइब्रेशन को फील करती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एल्विन अपने ऑडियंस का दिल जीत लेती है। उसे ईयर 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के तरफ से सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का इनाम दिया गया। जेम्स ब्लेड्स महान तबला वादक थे। वे कहते हैं, भगवान ने उसके सुनने की शक्ति छीन ली, परंतु उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। जो चीज को हम सुनते हैं वह चीज को एवलिन गहराई से महसूस कर सकती है। इसी कारण से वह म्यूजिक को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है। इन सब के अलावा एवलिन जेल और हॉस्पिटल में फ्री में म्यूजिक का आयोजन भी करती है। हम जो सोचते हैं हम वो कर सकते हैं। हमें मेहनत करनी होगी, चाहे कुछ भी हो हमें हार नहीं माननी चाहिए। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। तो दोस्त, यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।